हेलो एवरीवन, अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने है, ड्राइव द रिलेशन फॉर द मीन काइनेटिक एनर्जी है ना ऑफ द गैस, या मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। यही कहानी है हमारे सामने, मीन काइनेटिक एनर्जी। तो भैया गौर से सुनिएगा, E बराबर हाफ एम वी बार स्क्वायर। एग्री करते हैं इस बात से, किसी को कोई दिक्कत? E बराबर हाफ एम वी बार स्क्वायर है। तो भैया मुझे मालूम है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऐसे ही तो लिखते हो, अंडर रूट थ्री आर टी अपॉन एम। दोनों तरफ अगर स्क्वायरिंग करूंगा तो क्या हट जाएगा? तो केवल ये आ जाएगा, बोले भैया। तो ये मैं क्या लिख दू, थ्री आर टी अपॉन एम, एम से एम कट गया, तो ये आ गया मीन काइनेटिक एनर्जी थ्री बाई टू आर टी। ये इक्वेशन इस बात को प्रूव कर रही है कि मीन काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। क्लियर है? टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो मीन काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, घट जाएगा तो घट जाएगी, नहीं यही बात समझ। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? अच्छी बात है, आगे बढ़ जाऊं। अगर मान के चलिए ये वन मोल गैस के लिए होंगे, राइट, वन मॉलिक्यूल के लिए निकालनी है तो क्या करते हैं बताओ? तो ऐसी सिचुएशन में आपको मालूम है एन का डिवाइड कर देते हैं, आर बाई एन क्या होता है, करंट के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और ई बराबर थ्री बाई टू के टी। क्लियर है? ये काय के लिए हो गया, वन मॉलिक्यूल के लिए। कौन है पूछ रही, एन मॉलिक्यूल के लिए तो क्या कर दोगे, थ्री बाई टू एन के टी। कहानी समझ में आ रही है? पढ़ लो आप, समझ जाओगे, फिर आगे बढ़ेंगे। इसके जस्ट बाद हमारे सामने एक नोट है, तो नोट बोर्ड गया भाड़ में, अपन ज्यादा समझते नहीं है, आ जाओ इधर आ जाओ, बाद में पढ़ना नोट। ये मीन काइनेटिक एनर्जी फॉर वन मोल गैस, एन मोल गैस होती तो ये क्या लिख देते, थ्री बाई टू एन आर टी। क्लियर? एक मॉलिक्यूल के लिए मीन काइनेटिक एनर्जी थ्री बाई टू के टी, एन मॉलिक्यूल के लिए एन के टी। वही जब मोल से आपने मॉलिक्यूल में कैसे कन्वर्ट किया वही नोट में लिखा है, पढ़ लो आप समझ जाओगे, पढ़ लो नोट। कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस डिफाइन एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो भैया एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोले तो जीरो केल्विन टेम्परेचर अगर जीरो रख दूंगा तो ये कौन सी वेलोसिटी है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। अगर टेम्परेचर यहां जीरो रख दूंगा तो ये पूरी कहानी जीरो हो जाएगी। द टेम्परेचर एट विच द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स बिकम जीरो इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। बोलो भैया, सही बोल रहा हूं? ऐसा टेम्परेचर जिसपे गैस के मॉलिक्यूल्स की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जीरो हो जाए। अब वेलोसिटी जीरो हो रही है तो उनकी मीन काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। कहानी समझ में आ रही है आपको मेरी? क्लियर? सिंपल सा आप बोल देना, ऐसा टेम्परेचर जिसपे गैस के मॉलिक्यूल्स की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जीरो हो जाती है उसे हम लोग एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोलते हैं। गॉट इट एवरीवन? पढ़ लो फिर आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़ते हैं। वेल, हमने पढ़ा मीन काइनेटिक एनर्जी थ्री बाई टू आर टी, हम लोग पढ़ते हैं टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मीन काइनेटिक एनर्जी घटेगा तो घटेगी, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो ये भी कांस्टेंट रहेगी। यानी जो मीन काइनेटिक एनर्जी होती है दैट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। क्लियर? अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है तो मीन काइनेटिक एनर्जी भी कैसी रहेगी, कांस्टेंट। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चा हो आप लोग। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है पट्टा, विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस प्रूव द बॉयल्स लॉ। प्रूव द क्या है बॉयल्स लॉ, पता है आपको? हाँ, बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट रहता है, हैं? टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। बोलो भैया, बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट रहता है? पहले तो चीजें तो प्रूफ बाद में कराऊंगा, पहले वो लोग बता दो जिनको कंफ्यूजन हो जाता है कि काय में का कांस्टेंट रहते हैं। कई लोग बॉयल्स लॉ पढ़ते हैं, कहीं पढ़ लेते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस, कभी कोई पढ़ा देता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू द कांस्टेंट, कुछ लोग पढ़ा देते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो एकदम से समझ में नहीं आ पाता कि क्या कहानी है। ऐसा होता है आप लोगों के साथ, ये नहीं होता? कितने लोगों का दर्द है ये, रेज योर हैंड। किसी का दर्द नहीं है, है, है। बहुत सा बाकी लोगों का तो दर्द इसलिए नहीं है ना क्योंकि इस
जगह तक पहुंचे ही नहीं है, पॉइंट्स लो पड़ो ही जाने कब, तो दर्द कहां से होगा। नालायकों सुन लो, जिसका दर्द है वो दूर हो जाएगा, है ना। मैं आगे के डेरिवेशन तब करूंगा जब आपको पहले बॉयल्स लो, चार्ल्स लो, प्रेशर लो, ये सारी चीजें आप लोग क्लियर कर लो। क्लियर है का? क्लियर कर लो। हाँ, बॉयल्स लो, चार्ल्स लो, प्रेशर लो, पहले ये लॉ क्लियर होंगे, उसके बाद हम इन्हें प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। इससे पहले कि आगे की कहानी आप लोगों को प्रूव करवाऊं, आप मुझे बताओ, प्रोपोर्शनल हटता है तो कांस्टेंट आता है? कांस्टेंट हटेगा तो कांस्टेंट में कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करूंगा तो कांस्टेंट में कांस्टेंट का डिवाइड करूंगा तो कांस्टेंट में कांस्टेंट की पावर चढ़ाऊंगा तो ठीक है। पता हुआ कि बोले ही बोल रहे हैं? पता। चलो, बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, प्रेशर लॉ, ठीक है भैया। क्या बोला मैंने? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, प्रेशर लॉ। और कोई कितना ही बड़ा चूतिया हो उसको केमिस्ट्री में ये जरूर मालूम है, आइडियल गैस इक्वेशन पीवी बराबर आरटी। बोलो कि जब हुए ना जान बोलते वो पता हो कि जामे आर जो है वो गैस कॉन्स्टेंट है, यानी आर कॉन्स्टेंट टर्म है नहीं है, है। बॉयल्स लॉ, इसका एक कोड वर्ड है, क्लियर। बॉयल्स लॉ को हम लोग याद रखते हैं बंटी के नाम से, गाय के नाम से, बंटी और चंपी। बंटी, बंटी इसलिए याद कर रहे हैं, बी का मतलब बॉयल्स लॉ, बंटी टी का मतलब यहाँ टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है, क्लियर। बंटी चंपी करता है, चा से चार्ल्स लॉ, चंपी प्रेशर कॉन्स्टेंट, सीनियर है, समझ गए। जहां में टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है वो, जहां में प्रेशर कॉन्स्टेंट है वो, तो जहां में वॉल्यूम कॉन्स्टेंट, प्रेशर लॉ में वॉल्यूम कॉन्स्टेंट होता है, क्लियर है। यानी कौन से लॉ में कौन सी चीज कॉन्स्टेंट है, समझ गए। कोडवर्ड से याद रहेगा बंटी चंपी, क्लियर। तो बंटी से टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, चार्ल्स में प्रेशर कॉन्स्टेंट, प्रेशर में बचा कुचा वॉल्यूम कॉन्स्टेंट, सीन क्लियर है। अब आगे की कहानी क्या होगी तो वो आप खुद ही बना लो। जाती टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट को मल्टीप्लाई कॉन्स्टेंट से करेंगे तो बॉयल्स लॉ। मैं यही बात समझ कहा गलत की अभी मैंने ला रही। कईयों लोग जाए जो लिख देते हैं, कईयों जाए ऐसा कहते हैं पीवी बराबर, सॉरी P इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकता हूँ K अपॉन V, K कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट हटाऊंगा तो ऐसे नहीं लिख सकता, ये और ये एक ही बात है, सीन क्लियर है। बात समझ में आई आपको? कोई पूछे बॉयल्स लॉ क्या होता है तो उसको बोला लाला एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू द कॉन्स्टेंट। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। चार्ल्स लॉ, नालायक चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट है। मुझे अब इसकी इक्वेशन क्या बनेगी वो बनाते हैं। तो भैया हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है पर हमें इतना मालूम है पीवी बराबर आरती। बोले भैया yes, तो ऐसे नहीं लिख सकता वी बराबर आरती अपॉन पी yes, है ना। अब आप बताओ आर गैस कांस्टेंट और यहाँ पर प्रेशर भी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट, कांस्टेंट हटाऊंगा तो बनेगा क्या कहोगे बोलो। एट कॉन्स्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। ऐसे बोलोगे नहीं बोलोगे? ऐसे बोलिए, ऐसे बोलते हैं। हाँ और वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है ना तो जाए जो ना लिख सकत बोलो। अब बताओ काय की जगह कॉन्स्टेंट धरता हूँ? आर भी कॉन्स्टेंट है, वॉल्यूम भी कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट अपॉन कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट। तो बताओ प्रेशर लॉ में क्या बोलोगे? विद कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस।
करंट एवरीवन, दीज आर कॉल्ड द गैस लॉज. क्या बोलते हैं मैंने? गैस लॉज. कोई बोले डिफाइन गैस लॉज, इसका मतलब वो आपसे ये तीन लॉज पूछता है. क्लियर? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड प्रेशर लॉ. बता देंगे उसको? किसमें कौन कांस्टेंट रहता है आपको समझ में आता है? किसी ने पूछ लिया तो बतला दोगे? बतला देंगे. आगे बढ़ जाऊं फिर मैं? तो आगे के क्वेश्चन में चलूं, ये सब बातें आपको पता थी? आप इसे नोट बोर्ड करना चाहेंगे कि मिटा दूं? जो लोग नोट करना चाहेंगे फटाफट कर लो, मिटलने वाला है. ओके, तो ये सारे लॉज को समझने के बाद हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस प्रूव द बॉयल्स लॉ. प्रूव द बॉयल्स लॉ. बॉयल्स लॉ यानी का पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है ना? ऐसा कब होता है? जब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है. तो वो कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस प्रूव द बॉयल्स लॉ. कहने दप्पा ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वी कैन से पी इज इक्वल टू 1/3 एम एन वी बार स्क्वायर अपॉन वी. बोलो स्टूडेंट्स, यस और नो? किसी को कोई दिक्कत? भाषा समझ में आ रही है? अच्छी बात है. अगर इतने भी समझ में आ रही है तो फिर बात एक का आई. ठीक है, 1/3 सीन क्लियर है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? बढ़ जाऊं आगे? एम एन को जगह ऐसे लिखूं? बोलो भैया, किसी को कोई दिक्कत? अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड करूं तो कोई फर्क पड़ेगा? फर्क तो पड़ेगा, तभी तो कर रहे हैं. ठीक है, बाकी का वैसे बैलेंस रहेगा. राइट, तो P इज इक्वल टू, गौर से देखिएगा, जब V है तो ढड़का रहा हूं मैं जालंग. ठीक है, V तो ये ढड़क के इधर पहुंच गया. पहुंच गया नहीं पहुंच गया? पहुंच गया. 1/3 ये मैंने पूरा वैसा की वैसा लिख दिया. ठीक है, अब मैंने 2 का मल्टीप्लाई यहां कर रहा हूं तो ये 2 हो जाएगा ऐसे. और ये 2 का डिवाइड कर रहा हूं, क्या गलत कर दिया मैंने भैया? इसको अगर थोड़ा सा सजा के लिखू तो 2/3 इंटू हाफ. बोलो भैया, सही बोल रहा हूं? किसी को कोई दिक्कत? ओके, वी नो दैट कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो मीन काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू 3/2 RT. बोलो भैया, अब यानी 2 मिनट पहले आपने रिलेशन ड्राइव किया तो इसकी जगह क्या टांग दू? पीवी इज इक्वल टू 2/3 इंटू 3/2 RT. 2 से 2, 3 से 3. क्लियर? बोले भैया, तो पीवी इज इक्वल टू, एक तो ये आइडियल गैस इक्वेशन भी प्रूव हो गई. ठीक है, दूसरी बात, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ पीवी बराबर कांस्टेंट? क्यों लिख सकता हूँ कांस्टेंट? आर भी गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर यहाँ कांस्टेंट रहता है, इस वजह से पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट. नहीं आई मेरी बात? सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाऊं. मैं चाहता तो इसके बाद भी इसे लिख सकता था कि भैया कांस्टेंट टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी पूरी की पूरी कांस्टेंट रहती है, तो कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट, तो डायरेक्ट भी पीवी बराबर कांस्टेंट लिख सकता था. बात समझ में आ रही है सभी को? कोई दिक्कत? चाहे जैसे कर लो, पढ़ लो, समझ जाओगे आप लोग. इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस प्रूव द चार्ल्स लॉ. कौन सा लॉ? चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट? प्रेशर कांस्टेंट. क्या कांस्टेंट? ऐसे लिख सकता हूं बाय द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वी नो दैट. यस और नो? अच्छी बात है. वी को इधर ले आया, पी को इधर ले आया, तो वी इज इक्वल टू 1/3 P. एम एन को एम लिख दू? बोले भैया, किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ू? सीन क्लियर है? आगे बढ़ रहा हूं. वी बराबर 1/3 P एम वी बार स्क्वायर, तो वी बार स्क्वायर की जगह ऐसे लिख दू 3 RT/M. बोलो भैया, अपन ने ये पढ़ा था रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, अंडर रूट 3 RT/M होती थी, तो वी बार स्क्वायर की जगह 3 RT/M लिख दू.
तो वी बार स्क्वायर की जगह 3 आर टी अपॉन एम। सीन क्लियर है, बात समझ में आ रही है सभी को? एम से एम कट गया, 3 से 3 कट गया। अब आप गौर से देखिए, आर गैस कांस्टेंट, चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट रहता है? प्रेशर कांस्टेंट, कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट, और ये पूरा कांस्टेंट हटा दूंगा तो क्या आ जाएगा? तो वी प्रोपोर्शनल टू। कहानी समझ में आ रही है? सीन क्लियर है, कर पाएंगे? इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ फैराडे थ्योरी ऑफ गैसेस प्रूव द प्रेशर लॉ। प्रेशर लॉ में क्या कांस्टेंट होता है? वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, और इक्वेशन क्या आती है? टी प्रोपोर्शनल टू टी, यस और नो? चलो भैया ठीक है, तो बाय द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पी इज इक्वल टू 1/3 एम एम वी बार स्क्वायर अपॉन वी। तो पी इज इक्वल टू 1/3 एम एन अपॉन वी, एम एन की जगह कैपिटल एम लिख दूं, बी बार स्क्वायर की जगह 3 आर टी अपॉन एम, एम से एम कट गया, 3 से हाँ भैया वॉल्यूम कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट नहीं, यही बात समझ। सीन क्लियर है, कर पाएंगे हम लोग? पक्का देख लो फिर आगे बढ़ूंगा। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, डिफाइन एवोगैड्रो लॉ एंड प्रूव इट विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। लिसन एवरीवन, यहां पर एवोगैड्रो लॉ हमसे ये कहता है कि जैसे ये अलग अलग कंटेनर है, ठीक है, ये अलग अलग कंटेनर है, काफी सारे कंटेनर मैंने बना दिए, इसके अंदर गैसें भरी हुई हैं, क्या भरी हुई हैं? तो और ये गैसें कुछ अलग अलग गैसें हैं, और सभी गैसों के टेम्परेचर कैसे हैं? सेम, जाहिर सी बात है गैसों के टेम्परेचर सेम तो उनकी मीन काइनेटिक एनर्जी भी सेम ही होगी। अच्छा, यहां पर एवोगैड्रो लॉ में ये कहा गया, एवोगैड्रो ने ये कहा कि सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पर अगर अलग अलग गैसें हैं, ठीक है, क्लियर, और उनके वॉल्यूम भी सेम है, क्लियर, सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पर सेम वॉल्यूम की डिफरेंट गैसेस के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होते हैं, ये बात कही गई थी एवोगैड्रो लॉ में, क्लियर है? अगर हम सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर पर इक्वल वॉल्यूम की अलग अलग गैसेस लें तो उनके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। किसने कहा? पढ़ लो पहले एवोगैड्रो लॉ। चलिए तो फिर एवोगैड्रो लॉ को हम लोग प्रूव करते हैं। फिर से बोल रहा हूं, एवोगैड्रो लॉ में कहा क्या आ गया? अलग अलग गैसेस हैं, सबके टेम्परेचर सेम प्रेशर सेम और इक्वल वॉल्यूम की अलग अलग गैसेस हैं, तो उनके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। सपोज करिए मैंने किसी एक गैस को कंसीडर किया, गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे, बोलो भैया, हर मॉलिक्यूल का मास मैंने मान लिया m1 है, क्लियर, इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैंने मान लिया n1 है, इनकी जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, क्लियर, ये मैंने वेलोसिटी v1 मान ली, क्लियर है, तो मैं इस गैस का जो प्रेशर लिखूंगा, क्लियर, इस गैस का जो मैं प्रेशर लिखूंगा p इज इक्वल टू 1/3 एम एन वी बार स्क्वायर अपॉन वी। प्रेशर और वॉल्यूम तो सेम है, यस और नो? वी को इधर ले आऊंगा तो पीवी इज इक्वल टू 1/3 एम वन एन वन वी वन बार स्क्वायर। स्टेप समझ में आ रहा है? ये पहली गैस के लिए हो गया, ऐसे ही दूसरी गैस के लिए निकालूंगा तो इक्वेशन क्या बनेगी? सिमिलरली लिख दूं, सिमिलरली दूसरी गैस के लिए निकालूंगा तो पीवी इज इक्वल टू 1/3 एम टू एन टू वी टू स्क्वायर बार। इक्वेशन नंबर सेकेंड बाय इक्वेशन वन एंड टू, इक्वेशन वन एंड टू, इक्वेशन वन और टू को देखें तो एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी बराबर होंगी, बोलो भैया,
तो इनको मैं बराबर कर दूं तो 1/3 एम वन एन वन वी वन बार स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 एम टू एन टू वी टू बार स्क्वायर। यहां तक सीन क्लियर है? चूंकि कांस्टेंट टेम्परेचर पर, यहां पर गौर से देखिएगा, मैंने इनमें 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड करूं तो ये नजारा ऐसा हो जाएगा। गौर से देखिएगा सभी लोग, 2 ये तो मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया एम वन एन वन वी वन बार स्क्वायर, और यहां पर मैंने ये 2 का डिवाइड कर दिया। सीन क्लियर है सभी को? 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का डिवाइड कर दिया, सेम प्रोसेस यहां पर कर रहा हूं मैं, 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड। सीन क्लियर है यहां पर? कोई दिक्कत? इसको गौर से देखिएगा, 2/3 ये 2/3 लिख दिया, ये एन वन लिख दिया, ठीक है भैया? ऐसा क्या बचा? हाफ एम वन वी वन बार स्क्वायर, बोलो। सीन क्लियर है सभी को? यहां पर मैं 2/3 एन टू 2/3 एन टू लिख दिया, बचा क्या? हाफ एम टू वी टू बार स्क्वायर, बोलो भैया। अब चूंकि यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर हाफ एम वन वी वन बार स्क्वायर बराबर हाफ एम टू वी टू बार स्क्वायर, बोलो भैया। तो ये कैंसिल हो जाएंगे और 2/3 से 2/3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा एन वन बराबर एम टू। नहीं, यही बात समझ में कैसे लिखा मैंने, बात समझ में आ रही है? ये कैंसिल क्यों हो गए, बात समझ में आ रही है? क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर पर मीन काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है? सेम होती है। सीन क्लियर है? देख लो बराबर समझ जाओगे आप लोग, ठीक है? तो फिर आज के लिए पर्याप्त है, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय।